आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल स्टार्ट हो चुका है और इस पे आपको तरह तरह के ऑफ़र देखने के लिए मिलेंगे। कुछ ऑफ़र वाकई में अच्छे हैं जो आपको लेना चाहिए और कुछ ऑफ़र्स सिर्फ ऑफ़र्स के नाम पर आपको ठगने के लिए बने हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं किस किस ऑफ़र में आपको फ़ायदा होने वाला है और कौन कौन सा फ़ोन आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रियलमी की। रियलमी कंपनी की तरफ से आने वाले रियलमी 9i 5G को आप स्किप कर सकते हैं, इसके जगह में आप पोको का फ़ोन ले सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं रियलमी 9 5G स्पीड एडिशन का, ये फ़ोन वाकई में अच्छा है और ये आपको सेल के अंदर 14,999 रुपये में मिल जाएगा। परफॉर्मेंस के लिए इस पर आपको स्नैपड्रैगन का 778 प्रोसेसर दिया हुआ है और 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और ये फ़ोन एक 5G फ़ोन है और 15,000 रुपये में 778 प्रोसेसर के साथ आने वाला ये एक लौता फ़ोन है, तो आप इस फ़ोन को देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इस पर आपको रियलमी C35 मिलेगा 9,999 रुपये में, जो आपको इग्नोर कर देना है। फिर बात करते हैं रियलमी C30 का, जो आपको 5,499 रुपये में मिलेगा। ये एक एंट्री लेवल फ़ोन है पर इसमें फिंगरप्रिंट नहीं है, इसके जगह में आप पोको C31 देख सकते हैं। अब बात करते हैं रियलमी C31, आपको इसको भी इग्नोर कर देना है। रियलमी 9 बस कैमरे के नाम पे ये आपको ठगने के लिए बना है, आप इसको भी इग्नोर कर दें। रियलमी 9 प्रो जिस पे आपको स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर मिलता है, आप इसको भी इग्नोर कर दीजिए। फिर एक फ़ोन आता है रियलमी 9 प्रो प्लस 5G, जो आपको 17,999 रुपये में देखने के लिए मिलेगा, 8GB 128GB वेरियंट में। आप इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के लिए इस पर आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 920 प्रोसेसर दिया गया है और कैमरा में आपको प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इस पर आपको 16 मेगापिक्सल का मिलेगा। इसका कैमरा वाकई में बहुत अच्छा है, तो अगर आप एक ऐसा फ़ोन चाहते हैं जिसका कैमरा अच्छा हो, जिसका प्रोसेसर अच्छा हो, जिसका बैटरी अच्छा हो, तो आप इस फ़ोन को देख सकते हैं। साथ ही इसमें कैमरे के साथ आपको OIS का सपोर्ट भी मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग रियलमी 9 5G, आपको इसको भी इग्नोर कर देना है। रियलमी 9i, आपको इसको इग्नोर कर देना है। रियलमी C30 विथ एयरटेल, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए है, आप इसको छोड़ दीजिए। रियलमी GT2 जो स्नैपड्रैगन 888 प्लस प्रोसेसर के साथ आता है, जो थोड़े से टास्क के बाद ही आपको काफ़ी हीट महसूस होगा, तो आप इस फ़ोन को एकदम इग्नोर कर दें। फिर रियलमी GT2 प्रो जो कि 50,000 रुपये में लिस्टेड है, लेकिन आपको इस सेल के अंदर 33,499 रुपये में मिल जाएगा। इस फ़ोन में आपको स्नैपड्रैगन का 8 Gen 1 प्रोसेसर मिलता है, प्राइमरी कैमरा इसका 50 मेगापिक्सल का है और फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। आपको इस फ़ोन को भी इग्नोर कर देना है क्योंकि इस रेंज में आपको दूसरे काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएगा, जिसके विषय में हम लोग आगे बात करेंगे, और ये फ़ोन कैमरे में उतना सही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं पोको की तरफ से क्या क्या ऑफ़र है। पहला ऑप्शन है पोको M5 जो 10,999 रुपये में अवेलेबल है, आप इसको इग्नोर कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं पोको X4 प्रो जो 14,000 रुपये में लिस्टेड है और इस पर आपको 6GB 128GB का वेरिएंट मिलेगा। परफॉर्मेंस के लिए इस पर स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर दिया हुआ है और 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है। ये एक 5G फ़ोन है, तो आप इस फ़ोन को देख सकते हैं और ये बॉक्सी डिज़ाइन में आने वाला एक फ़ोन है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोको M5, आप इसको इग्नोर कर दीजिए। पोको M4 प्रो 5G, अगर आपका बजट टाइट है, आप 10-11 हज़ार का रेंज का लेना चाहते हैं फ़ोन, और साथ ही आप एक ऐसा फ़ोन लेना चाहते हैं जो फ्यूचर प्रूफ हो, मतलब 5G सपोर्टेड हो, तो आप इस फ़ोन को देख सकते हैं। इसमें आपको मीडियाटेक का 810 प्रोसेसर दिया हुआ है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया हुआ है, तो आप इस फ़ोन को
बेझिझक देख सकते हैं। यह आपको सेल के अंदर 10,999 रुपये में मिल जाएगा। और ये फ़ोन 10 से 11 हज़ार के रेंज में आने वाला एक काफ़ी अच्छा फ़ोन है। फिर हम लोग देखते हैं पोको M4 Pro 4G वेरिएंट। कहने के लिए इसमें एमोलेड स्क्रीन है, लेकिन ये एक 4G फ़ोन है। तो अगर आप फ़ोन सिर्फ 6 महीना साल भर के लिए ले रहे हैं तब तो इस फ़ोन को ले सकते हैं, लेकिन अगर उससे आगे चलाने के लिए सोच रहे हैं तो फिर 5G आने के बाद आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अब बात करते हैं पोको M4 5G जो 9,749 रुपये का है। तो इससे बेटर है कि आप 11,000 रुपये में पोको M4 Pro 5G खरीद लें। अगला फ़ोन दिखता है पोको F4 5G जो स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर के साथ आता है, और इसके कैमरे में आपको OIS का सपोर्ट मिलेगा। इस पर स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर दिया हुआ है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। प्राइमरी कैमरा इसका 64 मेगापिक्सल का है और फ्रंट कैमरा इस पर 20 मेगापिक्सल है। इसके अगर वीक पॉइंट की बात करें तो वो है इसका बैटरी। 4,500 mAh की बैटरी आपको शाम होते होते डिस्चार्ज हो जाएगी, जो आपको पूरा दिन का बैकअप शायद ना दे पाए। अब एक फ़ोन है पोको C31 जो 5,999 रुपये में लिस्टेड है, और ये बेसिक फ़ोन है। आप अगर एक ऐसा फ़ोन चाह रहे हैं जो बजट लेवल का हो, इंट्री लेवल का हो, तो आप इस फ़ोन को देख सकते हैं। इस पे आपको 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। साथ ही इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा। बैटरी इसमें 5,000 mAh की दी हुई है, और साथ ही ये माइक्रो USB चार्जर के साथ आता है। तो अगर आप 6-7 हज़ार के रेंज का कोई फ़ोन देख रहे हैं तो आप पोको C31 देख सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं एप्पल की। तो सबसे पहला फ़ोन जो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा वो है iPhone 13 128 GB। यह फ़ोन आपको 55,990 रुपये का लिस्टेड है, और आपको ऑफ़र वगैरह लगाकर 53,990 रुपये में मिल जाएगा। तो 54,000 में iPhone एक काफ़ी अच्छा डील है, और वो भी iPhone 13। दूसरे iPhones की बात करें तो iPhone 12 mini जो 34,000 रुपये का है, तो आप इसको एक बार इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि यह काफ़ी कॉम्पैक्ट फ़ोन है। अगर आपको छोटा फ़ोन चलेगा और आप iPhone ही लेना चाहते हैं, बजट कम है, तो आप इस फ़ोन को देख सकते हैं, क्योंकि ये एक 5G फ़ोन है तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। अब आगे है iPhone 11 जो 31,000 का है, लेकिन ये एक 4G फ़ोन है। तो अगर आप लंबे टाइम के लिए फ़ोन चलाना चाहते हैं तो आपको ये फ़ोन इग्नोर करना होगा, क्योंकि अगले साल तक सारे जगहों पर 5G आ जाएगी, तो ये फ़ोन आपको चलाने में फिर दिक्कत महसूस हो सकती है। अब बात करते हैं iPhone 13 Pro। अगर आपका बजट 90-91 हज़ार का है तो आप इस फ़ोन को ले सकते हैं, और आगे बजट बढ़ाकर आप iPhone 13 Pro Max ले सकते हैं। अब आगे बात करते हैं नथिंग फ़ोन का। नथिंग फ़ोन जो है वो स्नैपड्रैगन 778 प्रोसेसर के साथ आता है, और 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। यह फ़ोन दिखने में आईफोन की तरह है, लेकिन ये आईफोन नहीं है। आपको इस चीज़ को समझना होगा कि आईफोन की तरह सिर्फ दिखने से कोई भी फ़ोन आईफोन नहीं हो जाएगा। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 778 प्रोसेसर दिया हुआ है, जो कि 15,000 के आने वाले रियलमी 9 स्पीड एडिशन में दिया हुआ है। तो सिर्फ कैमरा के लिए 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना, या सिर्फ आईफोन जैसा लुक पाने के लिए 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना कहीं से भी सेंस नहीं बनाता है। तो आप इस फ़ोन को इग्नोर कर दीजिए। अब आगे बात करते हैं वीवो का। वीवो में ऐसा कोई भी फ़ोन अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है जिसको कंसिडर किया जाए, तो आप वीवो ब्रांड को ही स्किप कर दीजिए। आगे है सैमसंग। अगर आप एक सैमसंग लवर हैं और प्राइमरी कैमरा आपको काफ़ी अच्छा चाहिए, आपको सेल्फी कैमरा काफ़ी अच्छा चाहिए, आपको परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, आपको नॉक्स सिक्योरिटी चाहिए, आपको एक फ्लैगशिप फ़ोन चाहिए, तो आप देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस का। इस पर आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर दिया हुआ है, और ये एक 5G फ़ोन है, तो आप इस फ़ोन को देख सकते हैं।
आगे बात करते हैं सैमसंग की तरफ से ही आने वाले सैमसंग F23 5G के लिए। यह फ़ोन आपको स्नैपड्रैगन 750 प्रोसेसर के साथ मिलेगा और इस पर आपको TFT स्क्रीन मिलेगी जो कि इसका एक वीक पॉइंट है। TFT स्क्रीन IPS से नीचे की स्क्रीन होती है, पर क्योंकि ये सैमसंग का फ़ोन है, सैमसंग की स्क्रीन यूज़ हुई है, तो ये आपको मोस्ट ऑफ़ द फोन्स के IPS डिस्प्ले के लेवल का मिलेगा। ये एक 5G फ़ोन है, तो आप 10-11 हज़ार का फ़ोन देख रहे हैं जो सैमसंग कंपनी का हो, साथ ही वो 5G प्रूफ हो, तो आप इस फ़ोन को देख सकते हैं। यह फ़ोन सभी तरह से सही है, बस इसका जो वीक पॉइंट है वो है इसका स्क्रीन। साथ ही यह फ़ोन आपको नो कॉस्ट EMI में भी मिलेगी, तो आप डेफिनेटली इस फ़ोन को देख सकते हैं अगर आपका बजट 10-11 हज़ार का है तो। और अगर आप एक कंप्लीट ओवरऑल फ़ोन चाहते हैं तो फिर आप पोको M4 Pro 5G के लिए देख सकते हैं। आगे देखते हैं सैमसंग S21 FE 5G। यह भी एक काफ़ी अच्छा फ़ोन है जो 35,000 में लिस्टेड है, लेकिन ऑफ़र वगैरह सब लगाकर आपको 32,000 रुपये में मिल जाएगा। ये कैमरे में बहुत अच्छा है, बैटरी में अच्छा है, 5G ठीक है, लेकिन इसका जो वीक पॉइंट है वो है इसका प्रोसेसर। आप डे टू डे टास्क अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन जो गेमिंग डिपार्टमेंट है वो इसका सबसे कमज़ोर पार्ट है। तो अगर आप नॉर्मल गेमिंग करना चाहते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस गेमिंग करना चाहते हैं तो फिर ये फ़ोन आपको सपोर्ट नहीं करेगा। साथ ही इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलेगा और IP68 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट भी है ये फ़ोन, तो आप इस फ़ोन को डेफिनेटली देख सकते हैं। पर अगर आप गेमिंग के लिए देख रहे हैं तो आप इस फ़ोन को इग्नोर कर दें। आगे है सैमसंग F13, आप इसको भी इग्नोर कर दीजिए। अब आगे जिस कंपनी की हम लोग बात करेंगे वो है Xiaomi। इसके तरफ से आने वाला फ़ोन है Redmi Note 11 SE, आप इस फ़ोन को इग्नोर कर दीजिए। Xiaomi 11i 5G, आप इसको भी इग्नोर कर दीजिए। 9i Sport, आप इसको भी इग्नोर कर दीजिए। Redmi Note 10T 5G, आप इसको भी इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि Dimensity 700 प्रोसेसर के साथ आपको फ़ोन मिल रहा है 11699 और इसी कंपनी का पोको M4 Pro 5G जो Dimensity 810 जो कि 700 से काफ़ी ऊपर का प्रोसेसर है वो आपको 10,999 रुपये, मतलब इससे भी कम में मिल रहा है, तो ये फ़ोन लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर आगे एक फ़ोन है Redmi 10 Prime, आप इसको भी इग्नोर कर दीजिए। अब आगे जिस फ़ोन का हम लोग बात करेंगे वो है Redmi 10। ये 7,999 रुपये में आने वाला एक फ़ोन है जिस पे आपको 4GB और 64GB का मेमोरी मिलेगा। इस फ़ोन में आपको स्नैपड्रैगन का 680 प्रोसेसर दिया हुआ है जो नॉर्मल टास्क के लिए काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, आपको डे टू डे टास्क में कहीं से भी लैग महसूस नहीं होगा। इसमें प्राइमरी कैमरा जो है वो 50 MP का दिया हुआ है और जो फ्रंट कैमरा है वो 5 MP का है। साथ ही बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी दी हुई है जो पूरा दिन आराम से निकाल देगी। तो अगर आपका बजट 6-7 हज़ार रुपये है तो आप 1,000 रुपये एक्सटेंड करके आप इस फ़ोन को ले सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अब आगे बात करते हैं Xiaomi 11i HyperCharge 5G, आप इस फ़ोन को भी इग्नोर कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, जो आगे कंपनी है वो है Google Pixel। इस पर आपको मिलेगा Pixel 6 जो 27,699 रुपये का मिल रहा है। ये फ़ोन लेने का भी कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि इस पर आपको 60 हर्ट्ज का स्क्रीन मिलेगा और साथ ही इस पर किसी तरह का कोई चार्जर नहीं दिया हुआ है और इसका जो प्रोसेसर है वो भी काफ़ी फास्ट नहीं है। बस कैमरा डिपार्टमेंट इस फ़ोन का अच्छा है, लेकिन कैमरे के लिए 27-28 हज़ार का फ़ोन लेना कहीं से भी कोई सेंस नहीं बनाता है। अब आगे बात करते हैं ओप्पो की तरफ से भी फ़िलहाल इस सेल में कोई फ़ोन नहीं है जिसको कंसिडर किया जाए। आगे आता है मोटरोला में आपको S30 मिलेगा, आप इसको इग्नोर कर दीजिए। G52, आप इसको भी इग्नोर कर दीजिए। Moto E40, आप इसको भी इग्नोर कर दीजिए। G60, ये भी इग्नोर कर दीजिए। G31, आप इसको भी इग्नोर करिए। G62, इसको भी इग्नोर करिए। G82, G42, G32, ये सारा आप इग्नोर कर दीजिए। मोटो की तरफ से जो लेने लायक फ़ोन है वो है मोटो H30
फ्यूज़न और मोटो एज 30 अल्ट्रा, आप ये दोनों फ़ोन देख सकते हैं। अगर आपका बजट 36-37 हज़ार रुपये का है तो आप मोटो एज 30 फ्यूज़न देख सकते हैं। इस पर आपको कर्व स्क्रीन मिलेगा, स्नैपड्रैगन 888+ प्रोसेसर मिलेगा, लेकिन इस पर जो बैटरी है वो थोड़ा सा आपको कम लग सकता है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा विथ OIS मिलेगा, और साथ ही इसमें आपको कर्व स्क्रीन मिलेगी जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत है, और इस रेंज में आने वाले किसी भी फ़ोन में आपको कर्व स्क्रीन देखने को नहीं मिलेगा। तो मोटो की तरफ से अगर आप कोई फ़ोन देखना चाहते हैं जो 30-35 हज़ार के रेंज में हो तो आप डेफिनेटली इस फ़ोन को देख सकते हैं। ये आपको 36999 में मिलेगा, और साथ ही इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉयड भी मिलेगा। मोटोरोला की ही बात करते हैं तो इस पर आपको मिलेगा मोटो एज 30 अल्ट्रा, जिस पर आपको दुनिया का पहला फ़ोन है जिस पर आपको 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है। प्रोसेसर की बात करें तो इस पर आपको स्नैपड्रैगन का 8+ Gen 1 प्रोसेसर मिलता है, और ये एक 5G फ़ोन है। इसमें अगर सेल्फी कैमरे की बात करें तो इस पर आपको 60 मेगापिक्सल का सेल्फ़ी कैमरा मिलता है। साथ ही ये फ़ोन वायरलेस चार्जर को भी सपोर्ट करता है, तो अगर आप 50-55 हज़ार का मोटो का फ़ोन देखना चाहते हैं तो आप ये फ़ोन देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अब आगे जो कंपनी है इन्फिनिक्स, आप इसको भी छोड़ दीजिए, और नार्जो आप इसको भी इग्नोर करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।